हेलो फ्रेंड्स, मैं एओसी के एलईडी मॉनिटर का इस्तेमाल करती हूँ। पिछले कुछ दिनों से मेरे एक एलईडी मॉनिटर में वर्टिकल स्क्रॉलिंग लाइन की समस्या आ रही थी। शुरुआत में मुझे इस समस्या का क्या हल हो सकता है के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, पर जब मैंने इस समस्या के समाधान के बारे में खोजना शुरू किया तो मुझे इसका आसान सा समाधान मिल गया, जिसको मैं इस वीडियो के जरिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको भी भविष्य में इस तरह की समस्या का सामना करना पड़े तो आप इस वीडियो में दिए हुए समाधान के जरिए वर्टिकल स्क्रॉलिंग लाइन से निजात पा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे एओसी मॉनिटर में एक वर्टिकल लाइन लगातार आधे हिस्से में स्क्रॉल हो रही है। चलिए इस स्क्रॉलिंग लाइन को निकालते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को मेरे एओसी मॉनिटर में उपलब्ध कंट्रोल बटन से अवगत करा देती हूँ। सबसे बाएं में लेफ्ट एरो बटन है, जो ऑन स्क्रीन डिस्प्ले के दौरान लेफ्ट में स्क्रॉल करने के लिए और वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए है, अगर आपके मॉनिटर में इनबिल्ट स्पीकर्स हैं तो। उसके दाएं में राइट एरो बटन है, जो ऑन स्क्रीन डिस्प्ले के दौरान दाएं स्क्रॉल करने के लिए और वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए है। सबसे बीच में पावर बटन है, मॉनिटर को ऑफ ऑन करने के लिए। पावर बटन के दाएं में है सोर्स ऑटो एग्जिट करने का बटन, जिसके द्वारा हम अपने वीडियो सोर्स के पोर्ट को चुन सकते हैं। सबसे दाएं में है मेनू या एंटर बटन, जिसकी सहायता से हम मेनू को खोल सकते हैं और जिसको टैप करने से वह एंटर बटन का भी काम करता है। आपके मॉनिटर में इन बटन्स का स्थान और क्रम भिन्न हो सकता है, जिसको जानने के लिए आप अपने मॉनिटर के मैनुअल की सहायता ले सकते हैं। अब हम इस मेनू बटन पर टैप करेंगे। अब एरो बटन्स को टैप कर एक्स्ट्रा विकल्प पर चलेंगे। अब एक्स्ट्रा विकल्प में एंटर करने के लिए दोबारा मेनू बटन पर टैप करेंगे। एरो बटन्स की सहायता से रीसेट विकल्प पर चलेंगे। दोबारा मेनू बटन पर टैप करेंगे। अब एरो बटन टैप करते ही यस विकल्प आ जाएगा और देखिए वर्टिकल स्क्रॉलिंग लाइन निकल गई है। अब मेनू बटन पर या एग्जिट बटन पर टैप कर ओएसडी को बंद कर देंगे। इस स्क्रॉलिंग वर्टिकल लाइन समस्या का एक और आसान तरीका है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ लेफ्ट एरो बटन को 5 सेकंड से ज्यादा समय के लिए दबा कर रखना है। देखिए ये तरीका ज्यादा आसान है ना। एओसी के अलावा दूसरे मॉनिटर्स में भी ऐसी समस्या आती है कि नहीं, और अगर आती है तो यह तरीका उनमें भी काम करेगा कि नहीं के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मेरे सिर्फ एओसी के मॉनिटर में ही इस तरह की समस्या आई है। अगर आपका मॉनिटर दूसरे मेक का है और आपको भी इसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर दूसरों के साथ अपना अनुभव शेयर कीजिए।